तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलियट कीटन एवं कार्बोक्सिल अम्ल का भाग नंबर 26। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण हम किसके पढ़ने वाले हैं? वो हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण हम इस भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिल अम्ल की श्रेणी में 9 कार्बन परमाणुओं तक की श्रृंखला वाले सदस्य समान ताप पर अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। इस श्रेणी के उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस होते हैं तथा अल्प पाशशील एवं व्यावहारिक रूप से गंधहीन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एलिफेटिक कार्बोक्सिल अम्ल की श्रेणी में 9 कार्बन परमाणु तक की श्रृंखला होती है, ठीक है, वाले सदान सामान तप्पा अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। ठीक है, तो वह रंगहीन और अरुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं। इस श्रेणी के उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस होते हैं। तो इनके जो उच्च सदस्य होते हैं इस श्रेणी के, वह मोम जैसे, मतलब जो मोम होता है उस जैसे ठोस होते हैं तथा अल्प बाष्पशील एवं व्यावहारिक रूप से गंधहीन होते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी संरचना भी देख लेते हैं कि संरचना थी क्या। इसकी संरचना थी कुछ इस तरीके से। अंतिम में हमारे यहाँ पे COH जुड़ा होता था, जहाँ पे सी कार्बन जो है उसके साथ एक हाइड्रोक्सीमाइडी का समूह और कार्बन के साथ एक द्विया बंध द्वारा एक ऑक्सीजन को जोड़ देते थे। तो यह बन जाता था हमारा RCOOH। ठीक है, और यहाँ पे R का कोई भी श्रृंखला हो सकती है, जो कि हो सकती है CH3, C2H5, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कार्बन आप बढ़ा दीजिए, TC3H7, कितने भी कार्बन आप बढ़ाते जाइए, तो ऐसे कोई भी श्रृंखला आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अंतिम में COOH समूह को जोड़ देना है। और इसकी IUPAC नामकरण हमने कैसे देखा था, पूरे आप नंबर ऑफ कार्बन लीजिए। मान लो आप देखिए, यहाँ पे मैं R की जगह मान लो यहाँ पे CH3 जोड़ देता हूँ, तो 2 कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 कार्बन का मतलब है इथीन, इथीन। आपको क्या करना है, ई को हटाना है, और यहाँ पे COOH समूह है तो यहाँ पे OH और एसिड जोड़ देना है। तो इसको बोलेंगे एथेनॉइक एसिड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एथेनॉइक अम्ल। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे कहते हैं, इसकी संरचना, इसके समूह की संरचना कैसे होती है, वह भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैप्सना समतल आवर्त द्रव्यमानों वाले एल्डिहाइडो कीटोन यहाँ तक कि एल्कोहलों से भी उच्च होते हैं। तो इनके जो कैप्सना समतुल आवर्त, ठीक है, कैप्सनांस होते हैं वो समतुल आवर्त द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडो कीटोन यहाँ तक कि एल्कोहलों से भी उच्च होते हैं। तो इसके जो कैप्सनांस होते हैं, मतलब समतल आवर्त द्रव्यमान, मतलब कि उसमें मान लो हम यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर है मेरे पास CH3OH, ठीक है, उसके बाद है मेरे पास CH3CHO, उसके बाद हम यहाँ पे समझे एल्डिहाइडो कीटोन है, यहाँ पे हम कीटोन की जगह समझ लेता हूँ CH2CO CH3। मान लो इसकी जो हमारे कार्बन का मान कितना होता है, वो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है G1 और ऑक्सीजन का होता है 16। इन सब की मैं गिनती करूँ, मान लो इसकी भी X आ गई, इसकी भी एक्स आ गई, मतलब कि लगभग लगभग एक्स आ गई, इसकी भी लगभग लगभग एक्स आ गई, मान लो दोनों तीनों की पास में लगभग लगभग एक्स आ गई, तो इसी को हम समतुल आवर्त द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम आवर्त द्रव्यमान बोलते हैं, आवर्त द्रव्यमान जो कि कार्बन का 12 था, ऑक्सीजन का 16 था और हाइड्रोजन का 1 था। तो अगर समान, मतलब कि समतुल्य आवर्त द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड भी ले लूं, कीटोन भी ले लूं, यहाँ तक कि एल्कोहल से भी ले लूं, तब भी इनका कैप्सनांस सबसे उच्च होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का यहाँ गुणधर्म उनके अणुओं में परस्पर अधिक व्यापक अंतरणविक हाइड्रोजन आवरण द्वारा संघनन के कारण उत्पन्न होता है। अब देखिए, यह होता किस वजह से है, हमारा कुछ इस तरीके से यह जुड़ा था OH। अब यह हाइड्रोजन जो है वो दूसरे, मान लो यहाँ पर कोई भी O है, H है, R, C, ओ, यहाँ पे मान लीजिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, किसी भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, इसी को हम हाइड्रोजन के अंदर
इसी को हम बोलते हैं अधिक व्यापक अंतरावणिक हाइड्रोजन आबंध, मतलब कि इसके अंदर अंदर हाइड्रोजन के बीच में कुछ आबंधन जुड़ा हुआ होता है। इसी भाई हमारा बहुत ही मतलब अधिक होता है बाकियों के मुकाबले, जो हमारा एल्कोहल, एल्डिहाइड या फिर कीटोन होता है उनके मुकाबले इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसी के कारण इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का गुणधर्म जो कि हमारा कैप्सनांग सबसे उच्च है, वह इसी वजह से होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आबंध वाष्प अवस्था के रूप से नहीं टूटते, या आबंध हमारे टूटते भी नहीं है। वास्तव में अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प अवस्था एवं एप्रोटिक बिलयाओं में हाइड्रोजन आबंध द्वितीय के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए यह हाइड्रोजन आबंध जुड़ाव कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, पहले यहाँ पर मुझे दिया गया आर सी ओ, यहाँ पर जो है हमारा ओ एच, यह हाइड्रोजन मेरे किसी मतलब यह इस हाइड्रोजन के पास ऐसी क्षमता है कि किसी भी दूसरे मान लो यहाँ से किसी भी इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन को मिल गया कुछ इस तरीके से, तो यह ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड बनाना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने H2 का प्रयोग किया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह हाइड्रोजन किसी भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ के समझ लीजिए कोई भी बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी क्षमता बढ़ जाएगी एक दूसरे से जुड़ने की, तो यह आसानी से टूटना नहीं चाहेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे जो भी हमारा ओ है, यह दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड बनाना चाहेगा, लेकिन जब यह एक दूसरे के पास होते हैं तो होता क्या है, हमारा एक हाइड्रोजन इसमें फ्री होता है भाई, एक ऑक्सीजन में फ्री होता है। तो इसके साथ हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता था। ठीक है, ओ एच जो हमारा है भाई दूसरे जो भी ऑक्सीजन के साथ फ्री है उसके साथ थोड़ा सा आबंध बनाना चाहेगा, इसके साथ जो भी हमारा दूसरा ऑक्सीजन है भाई दूसरे ओ एच के साथ थोड़ा सा आबंधन बनाना चाहेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं द्वितीय वाष्प अवस्था के ऐसे एप्रोटिक विलय के रूप में यह कैसे एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाकर थोड़ी सी क्षमता अपनी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनकी कैप्सनांग सबसे उच्च होती है, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन या फिर एल्कोहलों के मुकाबले। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें दिया गया है चार कार्बन परमाणु तक सर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध निर्मित कर सकते हैं, तो चार कार्बन तक ही यह हमारे एलिफेटिक जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो हमारे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो चार कार्बन तक ही हमारे हाइड्रोजन आबंध को बना सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसी कोई मैंने मान लो कोई भी लंबी लंबी श्रृंखला ले ली जिसके अंत में मैंने ओ एच कुछ इस तरीके से ऐसे जोड़ दिया, फिर कोई भी लंबी श्रृंखला आ गई, तो एक दूसरे के पास जुड़ने में मान लो यहाँ पर कोई भी ऐसे दूसरी श्रृंखला आई, फिर यहाँ पर दूसरी श्रृंखला आई, यहाँ पर कोई भी आर ओ एच, कोई भी ओ के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसे यहाँ पे बार बार श्रृंखला आएंगी, तो वह लंबी श्रृंखला होने की वजह से एक दूसरे में आवरण नहीं जोड़ पाएंगी, आवरण नहीं जोड़ेंगे तो उनमें दिक्कत आने की शुरू हो जाएगी। इसी वजह से चार कार्बन परमाणु तक सर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आवरण निर्मित कर सकते के कारण जल में मिक्सड होते हैं, और यह जो कि हाइड्रोजन आवरण बना सकते हैं जल के साथ, मैंने आपको बताया H2O के साथ यह आवरण कैसे बनाते हैं, इसी वजह से वह जल में मिक्सड हो सकते हैं, मैं नहीं तो वह जल में मिक्स नहीं होंगे। यह कुछ इस तरीके से था आर सी ओ ओ एच, यह बनाता है हमारे एक ऑक्सीजन के साथ आबंध, यह बनाता है हमारे कुछ इस तरीके से आबंध। ठीक है, देखिए एक आबंध हमारा यहाँ पे बन चुका है, एक आबंध मेरा यहाँ पर हो चुका है, इसी आबंध की मदद से यह जल में मिक्सिड होते हैं, क्योंकि देखिए जो भी चीज हमारे जल में आबंध नहीं बना सकती, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती, वह जल में मिक्सिड कभी नहीं हो सकती, तो उसके मिक्सिड होने के लिए या फिर उसके मिक्स होने के लिए हमें उसके आबंध हाइड्रोजन आबंध बना होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाती है। ओके, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उनकी विलेयता घटती जाती है। ठीक है, यह भी हमने देख लिया है। उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की जल विलायक अन्य यौगिक का बढ़ने के कारण विशेषकर जल में अवलीय होते हैं। ठीक है,
बेंजोइक अम्ल जो कि सरलतल एलोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठंडे जल में लगभग अम्लीय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन, ईथर, एल्कोहल इत्यादि जैसे कम ध्रुवीय विलयकों में भी विलेय होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हमें है वो बेंजीन या फिर ईथर या फिर एल्कोहल इत्यादि जैसे कम ध्रुवीय विलयों में भी विलेय होते हैं। वह क्यों होते हैं वो भी अपने मैंने बता दिया है कि बस वह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया आपने तो आप किसी भी चीज के साथ विलेय हो सकते हो। ठीक है, ओके। अब वह होता कैसे है वह भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आर सी ओ एच एक समूह हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, दूसरा समूह यहाँ पे आर सी ओ एच, दूसरा समूह हमारा कुछ इस तरीके से, तीसरा समूह हमारा आर सी ओ एच। देखिए ये तीन समूह मिलकर एक H2O, H2O हमारा कुछ इस तरीके से अलग है, H2O के साथ हमारे आवरण को बना रहे हैं। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ बनेगा हाइड्रोजन का आवरण और दोनों हाइड्रोजन के साथ बनेंगे ऑक्सीजन का आवरण। यह था हमारा कुछ इस तरीके से, इसके साथ बन रहा है हमारा कोई भी ऑक्सीजन का आवरण। ठीक है, OH है द्वि आवरण द्वारा इस तरीके से जुड़ा होगा। इसी तरह हमारा इस साइड से हाइड्रोजन हमारा जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर बात की जाए तो सी द्वि आवरण द्वारा यह और कुछ आर, तो बस यहाँ पर एक बीच में जल का समूह था और तीनों साइड हमारे यहाँ पे सी ओ एच समूह के साथ यहाँ पे तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह यहाँ पे जुड़े हुए थे, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सी ओ है जो कि द्वि आवरण के साथ जुड़ा हुआ है, वह जुड़ेगा हमारे दोनों हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह हमें लगेंगे और जो हमारा तीसरा ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ेगा हमारा एच मतलब कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो तीन कार्बोक्सिलिक समूह एक सी एच टू ओ के साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं आर सी ओ एच बा एच टू ओ में हाइड्रोजन आवरण। हाइड्रोजन आवरण कैसे होता है बा क्यों क्यों इसकी वजह से क्या क्या होता है वह भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, या कैसे बनता है वो भी आपने देख लिया, वह जल के अलावा खुद के साथ भी कैसे बनाता है वह भी मैंने बता दिया है। वह खुद के साथ कैसे बनाता है, उसके साथ वह क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वह हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, जो हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। तो इस तरह से वह खुद के साथ भी बना सकता है, जिसे हम कहते हैं द्वितीय वाष्प अवस्था या एलिफेटिक एप्रोटिक विलयकों में वह कैसे बनाता है। ठीक है, तो वह हाइड्रोजन के साथ भी मतलब H2O के साथ भी कैसे बनाता है, वह बनाता है इस वजह से उसके इंटरमोलिकुलर मतलब जो भी आपस में एक साथ जुड़े रहने की क्षमता होती है वह भी ज्यादा होती है और साथ में वह जल में घुलीय भी होता है। ठीक है, तो आज हम इसके भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब कि इसे बनाते कैसे हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं और वह कितनी दी गई हैं वो भी हम आगे आगे वाले भाग में ही देखेंगे। ठीक है, तो आज बस जो हमने भौतिक गुण पढ़ा है उसको आप बस एक बार से पढ़ के देख लीजिएगा और जो भी हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाने वाले हैं वो भी आप एक बार खुद से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो बस आज का भाग यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।